नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिनभर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। कैंट थाना पुलिस ने लूट के अपराध में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। सीओ कैंट अंशिका वर्मा ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान शुभम गुप्ता पुत्र सुरेश कुमार गुप्ता निवासी चक्रा अव्वल बरगो अमृतानी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर, दूसरा दीपू सोनकर पुत्र स्वर्गीय बबलू सोनकर निवासी चक्रा अव्वल बरगो अमृतानी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर, तीसरा करण सोनकर पुत्र हरीश चंद निवासी चक्रा अव्वल बरगो अमृतानी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। जिनके पास से लूट का 4 मोबाइल घटना में प्रयुक्त एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। 16 फरवरी को वादी मुकदमा अपने ऑफिस से होटल पैदल जा रहे थे, तभी अभियुक्तों ने बिना नंबर प्लेट की बाइक से उनका मोबाइल छीन लिया और वहां से भाग गए। सीओ कैंट ने बताया कि 16 फरवरी को रेलवे स्टेशन के सामने से वादी मुकदमा अपने ऑफिस से होटल पैदल जा रहे थे कि तभी अभियुक्तों द्वारा बिना नंबर प्लेट की बाइक से वादी मुकदमा का मोबाइल छीन लिया गया और वहां से भाग गए, जिसके संबंध में थाना कैंट पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके साथ ही 20 फरवरी को रात्रि में रोडवेज परेड ग्राउंड के पास से वादी मुकदमा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे कि उक्त अभियुक्तों द्वारा वादी का मोबाइल छीन लिए और वहां से भाग गए, जिसके संबंध में थाना कैंट पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और 20 फरवरी को रात्रि में गणेश चौक गोलघर के पास से वादी मुकदमा का मोबाइल अभियुक्त छीन कर भाग गए थे, जिसके संबंध में थाना कैंट पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा लूट की घटना कारित करने हेतु पहले मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट निकाल देते हैं, जिससे उनकी पहचान छिपी रहती है। रात्रि के समय शहर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर मौके का फायदा उठाकर राह चलते हुए व्यक्तियों का मोबाइल छीन लेते थे। अभियुक्तों द्वारा यह कार्य शहर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर सक्रिय रहकर किया जाता था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाने के वरिष्ठ उपनिरीक्षक विनोद कुमार सिंह, रेलवे चौकी प्रभारी महेश कुमार चौबे, उपनिरीक्षक सुधांशु सिंह, हेड कांस्टेबल मोहसिन खान, दीपक सिंह, जितेंद्र सिंह, कांस्टेबल अभिषेक सिंह, संजीत यादव, जयप्रकाश यादव, संजय यादव, विकास यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट अंशिका वर्मा ने कहा, दिनांक 16 फरवरी को वादी द्वारा सूचना दी गई कि उनके साथ मोबाइल लूट की घटना कारित की गई है। पूर्व में एसएसपी महोदय एवं एसपी सिटी महोदय द्वारा चलाए जा रहे लूट के अनावरण हेतु अभियान के तहत थाना कैंट पुलिस सक्रिय होकर 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी कर चुकी है। उनकी पूछताछ के उपरांत यह बात सामने आई है कि इन्होंने पूर्व में भी ऐसी घटनाएं कारित की है, जिससे संबंधित अभियोग थाना कैंट पर पंजीकृत है। अभी तक की गई जानकारी में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। थाना कैंट पर ही 3 मुकदमे इनके विरुद्ध पंजीकृत हैं। 16 फरवरी के बाद ही इन्होंने 3 बार ऐसी घटनाएं कारित की हैं और 2 अन्य बार इन्होंने प्रयास किया पर उस प्रयास में सफल नहीं हुए। इनके पास से 4 मोबाइल फोन भी बरामद हुए एवं एक बिना नंबर प्लेट की पल्सर बाइक भी बरामद हुई है, जो अब ये अपराध करने में प्रयुक्त कर रहे थे। क्या करते हैं लोग, क्यों लूट करते थे? तीनों फल बेचने का काम करते हैं, इनमें से एक डीजे बैंड का भी काम करता है। अपने शौक पूरे करने के लिए तीनों यह काम कर रहे थे। 18-19 वर्षीय अभी ये युवक है, तो केवल शौक पूरे करने के उद्देश्य से अभी तक ये घटनाएं कारित की गई।